नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे भाग का नियम, क्योंकि हमको गणित के बहुत से कैलकुलेशन करने में भाग की जरूरत पड़ती है और कभी कभी ये जानकारी न होने के कारण हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और कई क्वेश्चंस हम सही नहीं कर पाते। तो आइए समझते हैं कि भाग का नियम क्या है। देखिए, वास्तव में भाग जो है बार बार घटाना की क्रिया है और इसी क्रिया को शॉर्ट करने के लिए एक नियम बनाया गया। अब ये बार बार घटाना की क्रिया का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि ये 12 है, 12 है, 12 में 2 से भाग दिया जा रहा है तो हम लोग कहते हैं कि भागफल 6 आएगा, क्योंकि 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 बार में 12 आ जाए। अब 12 में से 2 को घटाइए 10 आता है, 10 में से 2 को घटाइए 8, 8 में से 2 को घटाइए 6, 6 में से 2 को घटाइए 4, 4 में से 2 को घटाइए 2, 2 में से 2 को घटाइए 0। तो ये जितनी बार में घट करके 12 0 हुआ वही ये संख्या है। इसे देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 में से यानी 12 में से 6 बार जब 2 को घटा दिया गया तो ये 12 बिल्कुल खत्म हो गया, शून्य बचा लास्ट में। और इसी प्रोसेस को, इसी घटाने की क्रिया को, ये जितनी नंबर ऑफ जो ये घटाने की क्रिया हुई है वही हमारा भाग है। अब सपोज यहाँ कहते कि ये 13 है तो 6 बार में, अब यहाँ पर प्रोसेस बदल जाता। अब ये जब 13 हो गया तो 13 में से 2 निकल गया 11, 11 में से 2 निकल गया 9, 9 में से 2 निकल गया 7, 7 में से 2 निकल गया 5, 5 में से 2 निकल गया 3, और 3 में से 2 निकल गया 1। तो आप लास्ट में देख रहे हैं कि अब ये जो एक बचा इसमें से 2 नहीं जा सकता, एक 2 से छोटा हो गया तो एक शेष बच गया, एक क्या हुआ शेष बच गया। और ये प्रोसेस के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार में ये खत्म हुआ और एक शेष बच गया, एक शेष बच गया। और यहीं से ये शेष की बात होती है। अब इसी भाग की क्रिया को, चूंकि ये इतना लंबा हो जा रहा है कि इसको छोटा किया गया, और छोटा करने में देखिए हम घटाने के लिए ऋण का चिन्ह का यूज करते हैं। अब इस ऋण चिन्ह पर ही एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे लगा करके इसके प्रोसेस को बताया गया और कहा गया कि ये 6। अब इसी चीज को एक ऐसे भी समझते हैं, यहां पर जो चीज रहती है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। यहां आता है भागफल और यहां होता है भाजक, नीचे जो बचता है वो शेष होता है। भाज्य को अंग्रेजी में डिवाइडेंड कहते हैं और ये क्वोशेंट है और ये डिवाइजर है। यहां ये रिमाइंडर है, यहां ये रिमाइंडर है। अब इसको मान लीजिए हम बी कह दें इस माल, और ए से भाग दिया गया बी में और भागफल क्यू आया और शेष इस माल आ रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कैसे लिखते हैं? यहां पर देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये होता है। अब भाज्य यहां पर क्या है? बी है। भाजक क्या है? ए है। भागफल क्या आया? क्यू। और शेष आ गया आर। तो गणित की भाषा में इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं और भाग इस नियम पर सही होना चाहिए, भाग का यही नियम है। अब यहां R के लिए दो शर्त, एक शर्त यह है कि R
जीरो से बड़ा होना चाहिए यानी शून्य से बड़ा होना चाहिए और भाजक से छोटा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि शेष कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, शेष कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और एक और मुख्य बात जानिए, इसमें इसकी जो रूल्स हैं या इसकी विशेषता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है भाग की, उसको भी हम लोग समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी यह है कि यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ए एक संख्या है, बी इसे विभाजित करती है, बी एक दूसरी संख्या है जो ए को विभाजित करता है, तो बी के गुणनखंडों से भी ए विभाजित होगा। इसका अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये 24 है, 24 को 6 विभाजित करता है, देखिए चार आ गया, तो 6 के जो फैक्टर हैं, 6 के फैक्टर क्या हैं, 1, 2, 3 और खुद 6 है, तो 6 के जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 इन फैक्टर्स से भी ये 24 विभाजित होगा। तो 1 से विभाजित होता ही 24, 2 से भी विभाजित होता है 24, 3 से भी विभाजित होता है और 24, 6 से तो हम लोग ने देख ही लिया। तो ये नियम ये कहता है ये यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उस संख्या के जिससे विभाजित होती है उसके फैक्टर से भी वो ए विभाजित होगा। दूसरा नियम, इसमें दूसरा नियम ये कहता है यदि एक संख्या सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है, यदि कोई संख्या सह अभाज्य, सह अभाज्य मीन्स को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है तो सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी विभाजित होगी। इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए कि यह 225 एक संख्या है, तो 225 तीन से विभाजित है, देखिए 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15 और 225 5 से ही विभाजित है, देखिए 5 × 20 और 5 × 25 45 बार में ये विभाजित है। अब बात ये कहनी है कि 3 और 5 को प्राइम नंबर है, 3 और 5 को प्राइम नंबर है, तो जब ये को प्राइम है तो इनका प्रोडक्ट यानी 3 × 5 ये प्रोडक्ट इनका 15 हुआ या इनका गुणनफल 15 हुआ। अब ये 225 15 से भी विभाजित होगी यह बात कहा जा रहा, तो होगी देखिए 15 बार में ये हो जाएगी। तो बात ये कही जा रही है कि यदि कोई संख्या सहभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है तो उन सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी वो संख्या विभाजित होगी। अब इसमें जो अगला नियम है तीसरा, तीसरा नियम ये कहता है कि यदि संख्या ए और संख्या
बी को संख्या सी विभाजित करती है तो ए प्लस बी को यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तब भी ये ए प्लस बी को भी सी विभाजित करेगा। इसका अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये 24 है, 24 को 8 विभाजित करता है तीन बार, और ये 32 है, ये दूसरी संख्या है, इस 32 को भी 8 विभाजित करता है चार बार। तो अब इन दोनों को जोड़ दी तो 4 2 6 और 3 2 5 यानी 56 को भी 8 विभाजित करेगा। ये बात अंतर के लिए भी यही बात सही है कि यदि कोई संख्या ए संख्या बी को कोई संख्या सी विभाजित करती है तो उनकी योग और अंतर दोनों को विभाजित करे। तो यहाँ पर हम जो लिखे हैं यहाँ माइनस भी कर रहे हैं यानी योग और अंतर को भी विभाजित करेंगे। देखिए 32 माइनस 24 8 हुआ और 8 को 8 विभाजित करेगा यानी योग और अंतर दोनों को विभाजित करेगा। ये भाग के चार सरल नियम थे जो आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर आपसे अक्सर गलतियां होती हैं। वो क्या है, जिसे हम कहें कि 54 में 5 से भाग दीजिए तो आपका उत्तर होगा 1.8 या कुछ लोगों का उत्तर होगा 10.8। अब बात यह समझनी है कि क्यों कुछ लोग 1.8 और कुछ लोग 10.8 कह रहे हैं, यह भ्रम कैसे दूर है। तो वास्तव में होता क्या है कि ये 2 अंक की संख्या है यानी यहाँ इकाई है और यहाँ दहाई है, तो जो भाग होना चाहिए भागफल भी 2 अंक में आना चाहिए जितने अंक की ये संख्या है। तो 5 से 1 बार ले गए तो 5 यहां देखिए 0 आ गया। अब ये 4 है और 4 5 से छोटा है तो भाग नहीं जा सकता, लेकिन यहां एक स्थान खाली है, इस स्थान को भरना है। तो हम 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 4 से कम आए, तो 5 का सिर्फ एक पहाड़ा है 0 जो 4 से कम आएगा। तो 5 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे, देखिए 5 0 0 0 हो जाए, ये 4 उतरेगा जो, अब यहां पर 0 आ जाएगा, अब ये 4 नीचे आ गया, 4 में से 0 निकल गया, 0 बचा। अब ये इकाई का स्थान जो यहां पर था वो फिल हो गया, अब इकाई के बाद दशमलव लगता है तो दशमलव यहां लग गया, अब दशमलव लग गया तो यहां पर 1 0 बढ़ गया। अब हम 8 बार ले जाएंगे तो ये 40, ये 0 0 आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि ये 441 है और आपको भाग देना है 2 से, तो कुछ लोगों का आंसर आएगा 22.5 और कुछ लोगों का आंसर आएगा 220.5। इसके पीछे क्या कारण, क्यों कुछ लोग 22.5 और कुछ लोग 220.5 बता रहे, तो हम लोग सही चीज जानते हैं कि क्यों ऐसा। यहां भी देखिए 3 अंक की संख्या है यानी ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है, यहाँ 3 अंक की संख्या है, तो भागफल भी हमारा 3 अंक में ही आना चाहिए। अब वो कैसे होता है ये देखते हैं। अब 4 में 4 यहां है और ये 2 है, तो 4 बड़ा है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 2 4, 4 में से 4 गया 0, ये 4 उतर गया। फिर है ये 4 बड़ा है, 2 से भाग जा सकता है, तो फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 ये 0, अब ये 1 उतर गया, 1 उतर गया, 1 नीचे आ गया और 1 2 से छोटा है। अब लोग यहीं पर गलती करते हैं, 1 2 से छोटा है तो तुरंत दशमलव बनाते हैं और ये 10 और 2 5 10 कर देते हैं, लेकिन वो भूल गए कि यहां पर अभी एक स्थान खाली है इकाई का, अभी भरा नहीं है, तो 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 1 से छोटा हो, तो 2 का पहाड़ा 0 बार ही पढ़ने पर वो 0 आएगा जो 1 से छोटा है,
अब ये इकाई का स्थान फिल हो गया, भर गया, अब हम दशमलव लगाएंगे तो यहां जीरो बनेगा और दो पांचे दस, ये प्रक्रिया होगी। तो भाग के ये जो कुछ सरल नियम थे जिन्हें आपको जानना जरूरी था और जानकर ही आप सही चीज तक आप पहुंच सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।